हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे आप लोगों की दुआ से। सो आफ्टर लॉन्ग टाइम मेरा व्लॉग आ ही गया और आप लोगों का इंतज़ार खत्म हुआ। आप लोग बार बार बोल रहे थे ना कि कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। कुछ लोग तो ये कमेंट कर रहे थे कि कहीं आप एलियन वाले दुनिया में तो नहीं चले गए। मतलब बताओ क्या क्या कमेंट करते हैं लोग। तो आफ्टर लॉन्ग टाइम मेरा ब्लॉग आ चुका है और इस ब्लॉग में हम वापस से जो पटना शिफ्ट हो रहे हैं वो है एंड सलोन ज्वाइनिंग का बाद में डालेंगे। आप लोग बताना कि कब डालें एंड किस किस से मिलवाएं और कैसा है मेरा लाइफ चल रहा है, ये सब अगर आप लोगों को जानना हो तो आप लोग नीचे कमेंट कर देना। फिर उसके बाद हम उसके अकॉर्डिंग वीडियो बनाएंगे। तो चलिए आप लोग ये ब्लॉग इंजॉय कीजिए एंड लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ये पहले ही हम बोल दे रहे हैं, ठीक है? तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं एंड देखिए, आई थिंक बोरिंग भी हो सकता है एंड इंजॉइंग भी हो सकता है। आप लोग जिस तरीके से देखो उस तरीके से होएगा। तो चलो वीडियो कंटिन्यू करते हैं। अरे आ आ कुत्ता गई का तू, मैं कुत्ता जो तुमको ले आ करेंगे। क्या बोला? नहीं नहीं यार, बिस्कुट दो ना यार। हाय हाय मम्मी, तुम तो एकदम रेडी शेडी हो रही हो। लेकिन तुम रुकने वाली क्यों नहीं हो, ये बताओ ना। तुम तो हमड़ो ठीक नहीं है। मेरा भी तो हालत ही खराब है माँ, गर्मी के कारण। यू अब थोड़ी देर में हम लोग निकलेंगे, गाड़ी आने का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब गाड़ी आएगा और कब हम लोग निकलेंगे। हमको थोड़ा सा बुरा भी लग रहा है, क्या ही करें। तो चलो अब निकलने का वक्त आ चुका है और निकलते हैं। फिर हम लोग पैदल निकलते हैं, भाई कुछ सामान लेके आएगा और बहुत सारा सामान हो गया यार, बहुत सारा नहीं चाहते हुए भी। तो चलते हैं फिर। और हाँ हाँ ले लो ना, एक और भरना हो तो एक और भर लो। आया हुआ है गाड़ी का, है कि बुला चल रहे हैं। इतना सामान ये साथ हो जाता है। हमने ठीक हो तो तू और चल, हम पैदल अबे। चल एक बार में, लेकिन नरन सामान की सारा समेट ले को भाई, इतना सारा सामान एक बार में, इतना हम भारी लेके चला गया। हम सोच रहे हम पैदल निकल जाते हैं और मम्मी आई पीछे बाइक से, देखो दिख रही है। इतना सामान हो गया ना भाई, नहीं सोच रहे कितना सामान होगा। थैंक गॉड कि पप्पा लोग बोले गाड़ी से चलो, नहीं तो पता नहीं क्या होता, कैसे जाते इतना सारा सामान लेके। वैसे हमको भूख भी लग गया, जूस भी नहीं पिया यार, हद हो गया, भूल गए। आई मिस माय स्वीट होम। पर झगड़ा बहुत होता था हम दोनों भाई बहन का उस घर में। इसको आगे रख देते हैं। चलो मम्मी कैसा लग रहा है ये बताओ। मजा यार। सुमन कुमार कैसा फीलिंग हो रहा है बताओ, हम जा रहे हैं तो तुमको। मेरे पापा जी पीछे चलिए जाते, तो आ जाते तो घूमियो का चल जाते। क्या हुआ रे, झूठ बोल रहा था? पता नहीं आंटी, फोन नहीं लग रहा है कि दिवस के बाद तुरा फोन किया था। ओ मेरी मम्मी, प्यारी मम्मा, तुम मुझे मिस करोगी? हां करोगी की कहा कि डेटा गाड़ी बनल के कुछ दे नहीं। सुन ना, बोले क्या तुम हमको मिस करोगी? अच्छा ये बताओ कि तुम मेरा लड़ाई गुस्सा मिस करोगे? हाँ डेट आगे बढ़ा है कि कैंसिल हुआ, हवा पानी। यार मम्मी आई मिस यू, सुन रही है? तो मम्मी के फोन किए थे। मम्मी आई मिस यू, हमको तुमको देख के रोना आ जाता है। तुम आएगी ना पटना? पटना बोले, मम्मी बोली कि डेट आगे बढ़ा है। मम्मा तुम लेकिन बहुत अथी काम की हो, मतलब क्या बोले, सिंगल डे जाना सिंगल डे आना, तुम्हारे चक्कर में सुमन कुमार हुआ है ये सब, समझा ना? झट से गाड़ी करवा दी। आराम से बस से जाते तो मम्मी एक दिन रुकती घूमती, हम सोचे थे मॉल मम्मी को घुमाने का। मॉल तो सिटी सेंटर वाला
अगली बार आओगी तो मम्मी 2-3 दिन रुकेगी ना? 5 दिन। हाँ 2 दिन तो कम से कम रुकना पड़ेगा। एक दिन भी अब बात है, पहले रहतीन की जान नहीं होत रहा तो रह एक दिन 2 दिन छुट्टी भी ले लो रहतीन। अच्छा है मैडम सब जे आले है नया नया 2-3 वाली सब की के जे पहले छुट्टियो हेडमास्टर नहीं एक दिन 2 दिन उने आथिन त 2 दिन एक सप्ताह उने आथिन त एक सप्ताह ही हो ना। अब तो से बात हो दे या करे सब टीचर के हालत खराब कोई बात नना। लेकिन हमें अपन नयका घर के सुख नहीं ले पावे। हम सोच लियो कि जब तक डेंट नहीं लगता तब तक सब रूम में जा जाकर सुत सुत अपन मजा ले वो, लेकिन नहीं होता ना। कोठी वाला हां ऊपर वाला रूम। अच्छा अब ऊपर वाला रूम लगा देगा रेंट क्या? ऊपर वाला दोनों में से एक तरफ वाला लगा, एक तरफ लगा देगा। ठीक है लगा दो। तुम दोनों ना रोड पर भी शुरू हो जाओ। नहीं लड़ना स्टार्ट कर देता है ये लड़का, सबसे बड़ा लड़ाकू। हट जा हट जा मम्मी, हट जा। क्या पागल लड़की। गाइस तो अभी हम लोग रुके हैं कहीं पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवाने, लेकिन पेट्रोल नहीं CNG। और हमको थोड़ा थोड़ा उल्टी जैसा फील हो रहा था, बट थैंक गॉड कि थोड़ा देर के लिए बाहर निकले जिससे कि पूरा अब अच्छा फील हो रहा है। और उधर देखो ये लड़का आई थिंक बकबक ही कर रहा होगा। हम जा रहे हैं अभी सोने के लिए क्योंकि सारे लोग शांत शांत बैठे हुए हैं। देखिए माता जी तुमको भी सोना है क्या मम्मी? उसको भी हाफी तो आ रहा है। और उधर देखो शांति से बैठा हुआ है और हमको नींद आ रहा है और हमको थोड़ा सा मोशन सीकनेस वाला प्रॉब्लम है, इसीलिए चलो हम जा रहे सोने और डायरेक्ट पटना उठेंगे। माते क्या कुछ तो बोलो मम्मी, उसको अब नींद आ रहा है। चलो वो पटना आएगा ना तो तुमको हर लोकेशन एक जैसा ही लगेगा। हम भी अपनी दोस्त कैसे बोलते हैं मोहिनी घुमान जाती है लेके हमको, हम बोलते हैं कि ये तो वही रास्ता है जिसमें हम आए थे। लेकिन यार नहीं तुम अभी जावेद हबीबी भी बोलने वाला था ना। मम्मी हाँ यहाँ से इस रास्ता में हम आए हुए हैं। अच्छा ये डायरेक्ट यहाँ, लेकिन वही है ना कि जाम पकड़ा जाता है इधर पुल पर आता है। हाँ या फिर नहीं ये जो सब्जी मंडी है ना, नहीं सब्जी मंडी में थोड़ी पड़ा। हाँ रहता है पुल पर से। अच्छा तो जाते टाइम फिर आगे जाके गोलंबर घूम के तब इस पुल पर। ठीक था कोई ना, तो फाइनली हम लोग पहुँच गए नहीं मम्मी अपने डेस्टिनेशन पे। फोन करके पूछ लो क्या। हाँ कॉल कर लेते हैं मैम को कि क्या है क्या नहीं, और चाबी दी हुई है कि नहीं दी हुई है क्या। अब तुम लोग सामान निकालो, फोन करो ना पहले। कर रहे हैं बाहर निकले क्या? बाहर निकलते हैं तो देखते हैं भाई। ठंडा लग रहा है बट ठीक है, मेन एरिया में ही है, अच्छा है ये चीज़ ना, मेन रोड पे सब कुछ है। बस हमको ना बालकनी साइड वाला मिल जाए कुछ तो मज़ा आ जाएगा। हमको बालकनी वाला एरिया बहुत पसंद है। सामान भी है कुछ निकलवा लो, उधर जाओ मम्मी। हाँ बिस्कुट एक तो लिए थे मम्मी। बताओ तुमको रूम कैसा लगा? हाँ कुछ काम करके नहीं जाओगी? अरे कोथी करे के है यहाँ पर, मेरा सामान भी खरीदना था, शॉपिंग भी करना है। हाँ बस ऐ में बंद करे के कवर लागल है कोनो, ना कचरा ना अचरा, ऐ में पर्दा लगा ओइ में पर्दा लगा। सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने फ्लैट पे और सच में बहुत अच्छा है, मीन सब कुछ बहुत अच्छा है। वेट आप लोगों को भी दिखा, अभी नहीं दिखाएंगे सॉरी, रूम टूर करवाएंगे कि कैसा है। ब्रो कैसा लगा तुझे? हाँ उधर रूम में ही डाल दो, आप नहीं खाएंगे हम पन्नी में डाल दो। हाँ ऐसे रख तो ब्रो बताओ तुमको कैसा लगा? अच्छा था यार, हटो ना I'll miss you यार। हाँ
यार मम्मी इतने कम टाइम के लिए तुम क्यों आई हो? पापा कहा कि अच्छा ठीक है बगले में कहा कि बाबा धाम से अबै छी तब साथे घुमा भी अबै ठीक छौ छुट्टी के दिन में जइबी थोड़ा छुट्टी ना ठीक है मतलब तुम एक मिनट मतलब पाँच मिनट भी मुश्किल से रुकी होगी क्या नहीं रहने दो ना अरे नहीं जरूरत है भाई प्लीज ना होगा तुम रुकना चाहिए कम से कम आधा घंटा मम्मी कुछ सामान भी हम ले लिए ड्राइवर साहब नहीं ना रुकेंगे मम्मी को रुक नहीं देता ना यार ठीक है चलो बाय बाय चलो मम्मी पहुंच के कॉल मिलना कॉल करना ठीक है पहुंच के बुआ को भी पीछे बोल दो बैठ जाएगा चलो टाटा बाय बाय पहुंच के कॉल करना ठीक है बाय देखना देखियो नहीं रहा पहुंच के कॉल करना मम्मी तो अभी घर निकल गई अब हम भी जा रहे हैं रूम का साफ सफाई करने मन तो नहीं लगेगा बट क्या करें अब अच्छा नहीं लग रहा हूँ मन तो उस टाइम उतना फील नहीं हो रहा था बट मम्मी पाँच मतलब दस मिनट भी मुश्किल से नहीं रुकी होगी क्योंकि उसको घर जाना था ड्राइवर को लेट हो रहा था जिसकी वजह से जाना पड़ा सो हम रूम से डायरेक्ट इधर आ चुके हैं इधर नहीं मतलब हनुमान मंदिर नहीं पहले गए थे सलोन पे मेज़रमेंट देना था तो उसके लिए फिर उसके बाद अभी हम आ चुके हैं हनुमान मंदिर जी का दर्शन करने के लिए क्योंकि जो भी है आज हम या फिर जो भी कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ भगवान की वजह से सबसे पहले उनका आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी होता है के लिए ग्रॉसरी शॉपिंग एंड कुछ ड्रेस का शॉपिंग तो देखते हैं कि क्या क्या करते हैं तो चलिए हमारे साथ और हम वीडियो नहीं बना पाए घर से निकले तो क्योंकि लेट हो रहा था इसलिए बस एकाएक ने कॉल आया था मैम का कि सलोन पे जाके ड्रेस का मेज़रमेंट देना तो चलो चलते हैं और देखते हैं कि आगे हम क्या क्या करती हैं तो अब हम रूही के पास आ चुके हैं इससे मिलके इसके साथ हॉस्टल पे जाके और वापस से हम लोग आ गए कहाँ जाने के लिए रूही शॉपिंग के लिए अब देखते हैं कि हम लोग क्या क्या शॉपिंग करते हैं बस अंडर बजट शॉपिंग हो जाए है ना अरे यार आईफोन खाली करना पड़ेगा रूही खाली करके शॉर्ट दे दीजिए बच्चे को बिल्कुल बिल्कुल हम सारे अपने आईफोन वाले दोस्तों को बोल रहे हैं आईफोन दे दो कोई नहीं दे रहा आईफोन के अलावा तुम उसका जान मांग लो लोग दे देगा नहीं लेकिन आईफोन नहीं दे सकता है लेकिन आईफोन नहीं देंगे फोन का स्टोरेज खाली करके देते हैं शॉर्ट बना लेंगे हम ना इस क्या वेस्ट साइड में क्या सील लगा हुआ है यार मतलब इतना कम रेंज में है सही में मतलब समझ में नहीं आ रहा कि क्या ले क्या नहीं ले मतलब इतने सस्ते में मिल रहा है मतलब उठाए जा रहे हैं पैसा का पता नहीं बट बहुत क्या गाइस तो फाइनली हम घर आ चुके हैं इतना सारा शॉपिंग करने के बाद इतना जल्दी जल्दी हुआ ना कि ब्लॉग भी नहीं बना पाए मॉल में क्योंकि हमको बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था तो अब रात के हो रहे हैं 10 हम आ गए थे बहुत पहले 7 बजे तक आ गए थे और अभी बस फ्रेश हुए थे फिर और अब हम जा रहे हैं सोने के लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा थके हुए हैं कल मेरा फर्स्ट डे है तो अपना इम्प्रेशन ख़राब नहीं कर सकते तो इसके लिए जा रहे सोने और मतलब ठीक है जा रहे सोने के लिए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय गुड नाइट टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक कमेंट शेयर करना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा चलिए बाय गुड नाइट आउट